हे hey गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं लेकर आई हूँ एक डिमांडिंग वीडियो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है मैं आपको बता दूँ कौन कौन से बैंगल्स कितने लगेंगे ताकि आप लोगों को ना इजी हो जाएगा बैंगल्स का सेट बनाना अगर आपको किसी इस कलर कॉम्बिनेशन में कंट्रास्ट में बैंगल्स का सेट बनवाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप न्यू न्यू डिजाइन सीखना चाहते हैं बैंगल्स सेट की तो मेरे चैनल पर इस तरीके का हमेशा कॉन्टेंट मिलता रहेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना ठीक है अब मैं बैंगल का साइड मैंने बनाना शुरू कर दिया है एक एक बैंगल्स लगा के बाद लगेंगे और कैसे आप लगा सकते है? मैंने से पहले ना, बहुत भी एक डिमांडिंग वीडियो है वैसे इसमें पूरे दो पैटर्न बताऊंगी जो दोनों पैटर्न है जो आपको अच्छा लगे आप वो पहन सकते हैं ना उन्होंने कहा था कि मेरा पिकॉक कलर का पूरा गरारा है और हाईलाइट पॉइंट मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क है ब्लैक एंड गोल्डन कलर का पूरा सेट वही माइंड में रख के बनाया है अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो मुझे अपनी सूट साड़ी लहंगे की वहां पर पिक्चर भी भेज सकते हैं मैं एग्जैक्ट वैसे ही बना दूंगी क्योंकि पिकॉक में ना दो तीन कलर आते हैं तो मैंने अपने माइंड में रखा है कि यही पिकॉक होगा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं आप इस तरीके का पैटर्न लगा सकते हैं ठीक है उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और राइट साइड बेलाइकन से हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियो लेकर आऊँ वो आपको सबसे पहले मिल सके ये बारीक कंगन खिलाई दे मैंने चार तो आपको क्या करना है जो एक पूरा बॉर्डर क्रिएट किया है ना उसके बाद लगाना है फर्स्ट एंड लास्ट में एंड दोनों साइड में इस तरीके से ही लेकर लगा कर ठीक है वीडियो को आप लास्ट तक देखना दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने हैं अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कर देना क्योंकि वेडिंग स्पेशल सीजन जो है वो चल रहा है तो आप उन लोगों को शेयर कर देंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी अगर आपको नहीं पता है तो मैंने चूड़े की बहुत सारी वीडियो बनाई है पुराने चूड़े को न्यू में कैसे कर सकते हैं न्यू चूड़े को

उन्हें जो लोग बोलते हैं ना मतलब तो डिमांड करते हैं उस तरीके का ही एग्जैक्ट कंटेंट देना पसंद करती हूँ ताकि वो ना और ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक भी करे और शेयर भी करे और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ मेरा फर्स्ट सेट बन के रेडी हो गया है देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है एक एक बॉर्डर आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना शेयर भी कर देना फ्रेंड एंड फैमिली में अब बनाती हूँ मैं अपना सेकंड पैटर्न उसमें भी बता दूँ कौन कौन से बैंगल्स कितने लगेंगे बैंगल्स कुछ इस तरीके से ही लोग और इसी कलर कॉम्बिनेशन के लूंगी बस क्वांटिटी ना चेंज हो जाएगी वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्योंकि मैं पैटर्न चेंज लगाऊंगी ना तो इस वजह से क्वांटिटी सब में चेंज रखूंगी मैं बहुत सारी वीडियो इस तरीके की बनाई हूं तो मैं पैटर्न बदलती हूँ अगर एक कलर में लगाती हूँ मगर क्वांटिटी अलग अलग हो जाती है सबकी देख सकते हो आप फिस्ट मैंने फर्स्ट सेट बना दिया था अब सेकंड सेट बना रही हूँ देखना कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा ये वाला भी सेट इसका भी मैं आपको रेशियो बता दूँ वन टू टू वन टू वन टू आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि मैं बीच में ब्लैक कलर के बैंगल्स एक क्यों ऐड कर रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए इस वजह से एक एक बैंगल्स बता रही हूँ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अभी तक नहीं किया है तो और अगर आपको किसी और तरीके का कलर कॉम्बिनेशन का, कंट्रास का या कंट्रास्ट का का सेट बनवाना है आपको किस तरीके बैंगल्स के रिगार्डिंग कलेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना नेक्स्ट वीडियो उसी तरीके के लेकर आ जाऊंगी फिर मैं क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है आप लोग अगर मुझे सजेस्ट कर देते हैं कि किसी कलर कॉम्बिनेशन का या किस तरीके का कॉन्टेंट लेकर आऊँ मैं अपने चैनल पर वैसे मैं ज्यादातर हमेशा ला रही हूँ फोर मंथ हो गया मुझे बैंगल्स की ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको ये कलेक्शन शेयर करा है अपना देखना कितना ज्यादा सुंदर लगेगा ये वाला भी सेट इसको कि मैंने क्या कहा है जो ब्लैक एंड गोल्डन पॉइंट होता है ना एम्ब्रॉयडरी वर्क उन्होंने बोला था, तो उसे ही हाईलाइट करके दिखलाया है मैंने क्योंकि मैंने जो अपने माइंड में सोचा था वो इस तरीके से ही होगा आई होप इस तरीके से हो और उनको बहुत अच्छा लगे ये वाला सेट देखना कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा मैंने तो अपना हंड्रेड दिया है शायद उनको भी अच्छा लगेगा ठीक है फिर इसके बाद हमने क्या करा है इस तरीके से पूरा जो वन दर्जन वाले बैंगल्स होते हैं ना उनको ऐड कर लिया है देखना कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है आपको ऐसे पहनना है तो आप ऐसे पहन सकते हैं अगर आपको प्लेन बेस पसंद है तो आप प्लेन बेस भी लगा सकते हैं देख लेना आप मैं किस तरीके से लगा रही हूँ देखो मैंने लगाया है यहाँ पर रेशो लिया है थ्री का सॉरी ये एक बैंगल्स ना एक्स्ट्रा हो गया था मैं अभी निकाल दूंगी इसे तो फिर इसके बाद हम थ्री थ्री का यहाँ पर रेशो लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टोटल सिक्स का रेशो एंड यहाँ पे भी मैं टोटल सिक्स का रेशो लूंगी देखना कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा इस तरीके से पूरा बॉर्डर बॉर्डर क्रिएट हो गया है और हाईलाइट भी हो गया है अब जो बाकी के दो बैंगल्स थे ना अब इसको ऐड करूंगी यहाँ पर क्योंकि ये बीच का बॉर्डर ना थोड़ा सा ना लाइट हो रहा है अगर मैं सेम बीच का बॉर्डर रख देती ना तो आपका साइड ना घिचपिच लगने लग जाता कि सेम 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 अब देख सकते हो कितना ज़्यादा तीन बॉर्डर क्रिएट हुए हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड मिड में देख सकते हो कितना ज्यादा अलग अलग लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लव एंड सपोर्ट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब बाय